हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में कैसा रहता है स्ट्रैटेजी, चलो इस वीडियो में देखते हैं। तो निफ्टी बैंक का स्ट्रैटेजी हम देखने के लिए हम थोड़ा जूम करेंगे चार्ट को। ये वन डे कैंडल चार्ट है। कम से कम अभी जो निफ्टी बैंक क्लोजिंग दिया है 38,675 में क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब पीछे का जो प्रीवियस सपोर्ट और अभी का सपोर्ट दोनों बराबर, यानी 3,500 आसपास ज़्यादातर सपोर्ट रह रहा है। ये सपोर्ट यानी आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वही रहेगा, 38,500 के स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप बुलिश ट्रेंड में है तो आपको 39,000 तक वेट करना है, क्योंकि 39,000 जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तब तक एंट्री नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आपको शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा 39,000 के बाद। यानी वहाँ से बहुत बड़ा 1,000 पॉइंट ऐसे ही दिखाई देता है 40,000। ऐसे छोटा करके हम देखा जाए चार्ट को तो ये कम से कम बहुत दिन से गिरावट के बाद यहाँ से ज़्यादातर सपोर्ट में रुक रहा है। तो इसी तरह चार्ट अगर पीछे का देखा जाए तो 35,000 में बहुत दिन तक काम किया, 35,000 से 36,000 तक ऊपर नीचे रहा। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड पकड़ रहा, पकड़ने के बाद अभी 38,500 के पास सपोर्ट ले रहा है। वहाँ से अगर ट्रेंड पकड़ता है तो कम से कम ये 42,000 ब्रेकआउट देकर 45,000 भी तक पहुँच सकता है। तो इंडेक्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर स्टॉप लॉस बता दिया जाएगा तो 38,000 आपको लास्ट सपोर्ट है, और जो 39,000 हुआ रेजिस्टेंस है। 39,000 रेजिस्टेंस होने के बाद आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और 38,000 जो अब लास्ट सपोर्ट है वो ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा शार्प ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो खतरा है उसमें बैड इफेक्ट। तो ये रहा स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक का स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक स्ट्रैटेजी भी लॉन्ग टर्म बेसिक में खेली है, शॉर्ट टर्म के लिए बेसिक लिए नहीं। वीकली एक्सपायरी के लिए खेलते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक देना पड़ेगा, जिससे 38,600 दिया है तो 38,400-38,300 आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो आपका बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो अगर इंट्रा वीक इंट्रा 15 डेज के बाद खेलते हो, अगर 15 दिन का एक्सपायरी लेते हो तो आपको कम से कम 500 पॉइंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगना चाहिए। ये रहा निफ्टी बैंक का स्ट्रैटेजी। तो कैसा रहा वीडियो, आप लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।